trust, learn to trust. It's never enough, never enough. Burning me up, burning me up. I know I won't fall when I'm picking you up. Close my head, I won't be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. I lay down, we're taking control. My love, my pride, cause I know you're. Hey guys, मेरे पास है जुपिटर 125, अप्रोक्स 6 मंथ हो गए थे मुझे चलाते, और इस गाड़ी में मेरे को प्रोज एंड कॉन्स क्या लगे मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। अगर ये आपको बाइक लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। गाइस पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो मेरे को बड़ी थी 98,000, और इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को बहुत सारी गाड़ियां मिल रही थी, मतलब बर्गमैन मिल रही थी, एक्टिवा 6G अभी आई है, जो फिर भी मैंने यही गाड़ी को कंसिडर किया। क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ। फिर पहले मेरे को इस गाड़ी में ये अच्छा लगा कि इसका बूट स्पेस बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख सकते हो गाइस अभी थोड़ा गंदा हो गया है बारिश की वजह से। इतना सारा बड़ा बूट स्पेस आता है कि आपको अगर घर से किसी चीज लेने भेजेगी आपकी मम्मी तो बहुत सारा घर का सामान आ जाएगा, चाय टी शुगर सब कुछ आ जाएगा इसमें, फ्रूट भी आ जाएगा, बहुत सारा घर का सामान आ जाएगा इसमें। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। एक 2021 में अक्टूबर में लॉन्च हुई थी और इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, एक आता है ड्रम ब्रेक वाला विथ एलॉय व्हील्स, और एक दूसरा आता है जो पहले वाला उसमें व्हील प्लेट आता है और ड्रम ब्रेक आता है, और ये जो है टॉप मॉडल है, टॉप एंड वाला वेरियंट है। देख सकते हो आप, इसका जो मेरे को अच्छा लगा वो था डायमंड कट एलॉय व्हील, दूसरा LED पूरा सेटअप आता है, ये देख सकते हो आप। नाइट में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, तो गाइस पीछे की जो लाइट है LED लाइट, जो ब्रेक लाइट आती है वो भी काफ़ी अच्छी है, और लुक काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, रोड प्रेजेंट भी अच्छा है। और मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी वो था इसका एलॉय व्हील, डायमंड कट आता है पूरा। और इसका चौथा चीज़ मेरे को ये अच्छा लगा कि इसका कंसोल बहुत अच्छा है, कंसोल में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, एक छोटा सा है, टेकोमीटर और डिजिटल दोनों साथ में है, देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा, दो वन ट्रिप टू आएगा, डिस्टेंस भी शेयर करेगा, ये आपको प्रोवाइड करेगा कितनी चलेगी अब गाड़ी, अब देख सकते हो, अभी दिखा था मैं आपको 122 चलेगी अभी गाड़ी, देख सकते हैं आप। एक दूसरा मेरे को जो चीज अच्छा लगा वो था इसका फ्यूल टैंक बहुत ही अच्छी जगह प्लेस किया है, ये देख सकते हो, इसकी वजह से गाड़ी में स्पेस बूट स्पेस बढ़ा दी गई है। और अगर आपको गाड़ी में फ्यूल भरवाना है तो ये पीछे वाला जो है निकाल दिया है, अभी आगे आ गया है, देख सकते हो, ये भी बड़ी अच्छी चीज है। पहले आपको उतर के पूरा सीट खोलना पड़ता था दूसरी बाइकों में, अगर ऐसा नहीं था तो पीछे आता था, लॉक आ गया था ये था तब सब, अभी गाड़ी का लॉक इधर ले लिया है तो अच्छा है, देख सकते हैं आप, इजी पड़ता है, उतरना नहीं पड़ता गाड़ी में से, ऐसे अंदर डाल के पुश करोगे खुल जाएगा पूरा, देखो 5 लीटर का टैंक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी थी गाड़ी में। अच्छा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी का ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, दोनों ब्रेक बहुत अच्छे हैं, ये टॉप वेरियंट आता है तो इसमें डिस्क ब्रेक आता है, आगे डिस्क आता है, पीछे ड्रम आता है, फिर भी दोनों का ब्रेकिंग अच्छा है। गाड़ी का एवरेज काफ़ी सही है, गाड़ी एवरेज बहुत अच्छा देती है, गाड़ी एवरेज लगभग 45 to 50 दे देती है, मैंने अभी तक गाड़ी का एवरेज निकाला है 50 तक, नॉर्मली दे देती है गाड़ी 45 46 47 तक, ये तो एवरेज काफ़ी अच्छा है गाइज गाड़ी का। तो गाइज अभी बात कर लेते हैं गाड़ी के कॉन्स की, हर गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अभी बात कर लेते हैं इसकी खामियों की, क्या क्या खामी लगी मेरे को 6 मंथ में, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुआ वो बात कर लेते हैं। सो गाइज पहली कमी तो ये है कि गाड़ी जब आप लेंगे, आप चलाएंगे एक दो महीने, पहली सर्विस तक चला गया, पहली सर्विस के बाद मेजर प्रॉब्लम आपको दिखेगा इसके बेल्ट में, इसके बेल्ट में से बहुत ही गंदी आवाज़ आना चालू हो जाएगी 500-600 किलोमीटर में, और वो बंद नहीं होगी, फिर वो बंद होगी पर एक दिन दो दिन तक बंद रहेगी, फिर बाद में चालू फिर हो जाएगी, वो बहुत ही गंदी चीज़ मेरे को लगी इस गाड़ी में, और सभी की गाड़ियों में आती है ये आवाज़। 125 सीसी के मेरे दोस्तों के पास भी, बहुत सारों के पास है, उसमें भी मैंने देख लिया, उसमें भी आती है आवाज़ें, तो फिर उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। चलो इस पे थोड़ा ध्यान दो, सुधारो इसको थोड़ा सा, सर्विस करवाने के बाद भी एक दो दिन तक सही रहता है, बाद में फिर हो जाता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दो। तीसरा कमी मेरे को ये लगा कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, पूरा दिखा देता हूँ आपको, दब जा रहा है, देख सकते हैं आप, ये पूरा दब जा रहा है, ये पूरा देख रहा हिल रहा है, और फिट एंड फिनिश भी आप देख सकते हैं, ये देखो सब खुला खुला है, मतलब ऐसा गंदा फिटिंग है,
इधर से भी दिखा देता हूँ आपको, देखो ये पूरा 1,00,000 रुपये ले ऐसे लेके इतना गंदा फिटिंग दे रहे हैं भाई लोग। देखो यहाँ पे पूरा गेप है, यहाँ पे है, अभी और दिखाता हूँ, यहाँ भी गेप है देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा ज़्यादा गेप रखा है देख सकते हो, अभी देख सकते हो पूरा गेप दिख रहा है यार यहाँ पे। तो ये सारा कुछ हिसाब किताब है गाड़ी में, ये पीछे भी देख सकते हैं अभी यहाँ से इतना ज़्यादा खुला हुआ है गाड़ी में। इधर देखना, इधर से पैक होगा पूरा। तो फिट एंड फिनिश भी अच्छा नहीं है गाड़ी का, बिल्ड क्वालिटी भी घटिया है गाड़ी का, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते। अगर बिल्ड क्वालिटी और सब कुछ अच्छा चाहिए तो आप दूसरा कुछ मोपेड देख सकते हैं, दूसरा इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी गेप है पूरा, देखो इधर कितना खुला खुला हुआ है, इधर पैक है देखो, इधर देख सकते हैं आप पूरा गेप रखा है गाड़ी में। गाइस आप देख सकते हैं इधर भी पूरा गेप है, देखो पूरा उंगली जितना गेप रखा है। इस साइड दिखा देता हूँ, इस साइड पैक होगा पूरा, देखो इस साइड पूरा पैक है और उस साइड पूरा गेप है गाड़ी में, इस साइड देख सकते हो आप, देखो। कमी गाड़ी में मेरे को ये लगे कि गाड़ी जब आप 70-80 पे ले जाओगे तो पूरा बबल करेगी गाड़ी, पूरा हिलेगी यहाँ से ऐसे 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 हिलेगी गाड़ी। ये क्यों हो रहा है मेरे को नहीं मालूम गाड़ी में। टीवीएस वालों देखो ज़रा इसको सोल्व करो प्रॉब्लम को, गाड़ी चलती है जब 70-80 की स्पीड पे तो गाड़ी पूरा बबल करती है ऐसे ऐसे ऐसे, इस पर थोड़ा ध्यान दो। तो वो भी एक कमी है गाड़ी में। इसका टैंक कैप का भी आप देख सकते हो, उसमें भी पूरा देखो इधर से खुला हुआ है, एक मिनट जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ से ज़्यादा खुला हुआ है यहाँ से, और इधर से देखो पैक है पूरा। तो ये भी कमी है गाड़ी में। कमी गाड़ी में ये है कि इसका सेल्फ का प्रॉब्लम है, सेल्फ जब आप सुबह सुबह चालू करोगे तो पूरा दबाना पड़ेगा, 2-3 बार पूरा ज़ोर से दबाओगे तब चालू होगा, कभी कभार ही सिर्फ एक टच में स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, बाकी सब ऐसा प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं गाइस, जुपिटर में नहीं है, दूसरी जुपिटरों में भी मैंने देखा है उसमें भी है सेल्फ का प्रॉब्लम, बहुत दबाना पड़ता है, कभी कभार ही वन सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, वरना दबाना पड़ता है बहुत ज़्यादा तब जाकर शुरू होती है गाड़ी। तो देखो यार 1,00,000 रुपये ले रहे हो गाड़ी का, तो फिर कुछ अच्छा प्रोवाइड करो इसमें, सिर्फ लुक की वजह से कुछ काम नहीं चलेगा, थोड़ा बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान दो, थोड़ा फिट एंड फिनिश पे थोड़ा ध्यान दो, तब जाके गाड़ी का सेल बढ़ेगा। गाड़ी का एक कमी है जो छूट गया था मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका स्विच क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है देख सकते आप, ये दबाऊँगा पूरा खुल जाएगा, देखो यहाँ से पूरा खुल गया यहाँ से, देखो ये डिपर है पूरा हाई बीम का, देखो यहाँ से खुल गया, कभी कभार इंडिकेटर भी अच्छे से नहीं होता, और सेल्फ का तो मैंने आपको बता दिया बहुत दबाना पड़ता है। तो ये सारा कुछ सीन है, बिल्ड क्वालिटी का भी देख सकते हो, ये स्विचेस का क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। गाइस मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी का गाड़ी का ख़राब है, वो देख सकते हो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखना ये है अभी, ये पूरा निकल गया देखो, इसका पूरा गम निकल गया, मतलब क्या है यार ये देखो, अभी पूरा चिपक जाएगा ऐसे निकल जाएगा पूरा, बिल्ड क्वालिटी बकवास गाड़ी का दिया है, फिट एंड फिनिश तो काफ़ी बुरा है। गाइस अभी देख सकते हो ये है सारा हिसाब किताब गाड़ी का, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मैंने तो सिर्फ एक ही दो पर्पज से ही गाड़ी लिया था, कि इसका फ्यूल टैंक और ये वाला जो है डिकी वो बहुत बड़ा आता है, तो इसी वजह से मैंने गाड़ी ली थी, और लुक भी काफ़ी अच्छा है, पर बिल्ड क्वालिटी और वो अच्छा नहीं है सब कुछ आप देख सकते हो। अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, 1,00,000 रुपये आप फूकना चाहते हो तो फूक दो इस पर, इस प्राइस पॉइंट पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएगी दूसरी, वो भी आप देख सकते हो, सिर्फ डेकी की वजह से आप गाड़ी तो नहीं ले सकते, बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया ये सब कुछ है अभी पूरा सीन, बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी अगर लेना चाहता है ये गाड़ी तो उसको शेयर करना वीडियो को गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।